सो फाइनली एप्पल की आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हो चुका है। काफ़ी बहुत बढ़िया बढ़िया चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और कुछ कम ही आपको जो लास्ट ईयर भी देखने को मिल रहा था इस ईयर भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ ये क्या क्या चेंजेस है और इस साल आपको आईफोन 14 50,000 में बाई करना चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए रुकना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आईफोन 15 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। जो पहला इंप्रूवमेंट है कि दोस्तों इस बार आपको सारे आईफोन 15 सीरीज में डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा जो लास्ट ईयर आपको सिर्फ प्रो सीरीज में देखने को मिल रहा था। ये डायनामिक आइलैंड का बहुत ही यूजफुल फीचर है जिसे आपने अपना एयरपोर्ट को कनेक्ट किया हुआ है, कितना चार्ज है ये सारा डिटेल्स दिखाता है। कोई गाना प्ले करते हैं तो दोस्तों उसका भी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। कोई खाना अगर आप ऑर्डर करते हो जोमेटो से या फिर कोई भी डिलीवरिंग ऐप से तो उसका भी आपको रियल टाइम डिटेल्स दिखाएगा कि कितने टाइम में आपको फूड डिलीवर हो जाएगा और वैसे कोई कैब बुक किए होंगे दोस्तों कितने टाइम में वो पहुंचेगा, ये सारा डिटेल भाई बहुत सही तरीके से आपको वो डायनामिक आइलैंड में देखने को मिल जाता है जिसका रियल टाइम यूसेज काफी बढ़िया है जो कि लास्ट ईयर आपको प्रो सीरीज में मिल रहा था, लेकिन इस बार भाई आप अपने आईफोन 15 के साथ ये फीचर का भी लाभ उठा सकते हो। और डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों आपको सुपर रेटिना एक्सडीआर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले देखने को मिलता है। बस इस बार अगर 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज का अगर डिस्प्ले हो जाता था तो मजा आ जाता था। स्टिल आपको अभी इस ईयर भी आपको 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ इसको मैनेज करना होगा। पर ब्राइटनेस के मामले में दोस्तों आपको आईफोन 15 में 2000 निट्स की आपको ब्राइटनेस देने को मिलेगा और ये डिस्प्ले में आपको सिरामिक शील्ड भी देने को मिल जाएगा और इस बार ये आपको 5 डिफरेंट कलर में देने को मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कि कुछ महीने के बाद आपको एक प्रोडक्ट रेड कलर और एक येलो कलर फिर से दोबारा लॉन्च किया जाएगा। और ये आईफोन 15 में आपको बायोनिक A16 का चिप देने को मिलेगा और iOS 17 के साथ ये वर्क करेगा। और कैमरा के बारे में बात करें दोस्तों आईफोन 15 में आपको 48 मेगापिक्सल की मेन कैमरा देखने को मिलेगा और 2x आपको टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलेगा जिसपे आप बड़े आसानी से जूम करके फोटो वगैरह खींच पाओगे। और दोस्तों इस बार आपको फोकस और डेप्थ कंट्रोल देखने को मिलता है जिस वजह से आप कोई भी फोटो खींचते हो उसका जो ब्लर इफेक्ट है उसको मैनेज आप बाद में कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आपको कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में अपना फोकस बनाना होगा तो दोस्तों ये आप बाद में भी कर पाओगे। पहले पोर्ट्रेट फोटो के लिए आपको एक डेडिकेटेड ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन इस बार जैसा फोटो क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि ये पोर्ट्रेट है या नहीं। और जैसे आपको बताते हैं दोस्तों इस बार आपको डेप्थ कंट्रोल मिलता है जिस वजह से आपको वो जो पोर्ट्रेट है उसका ब्लर इफेक्ट कैसा रखना होगा ये बाद में आप कस्टमाइज कर पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है दोस्तों इस बार सारे आईफोन 15 सीरीज में आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट देने को मिलेगा, पर यहाँ पे भी एक ट्रिक है जो आईफोन 15 और 15 प्लस है इस पे आपको शायद USB 2 का सपोर्ट देने को मिलेगा क्योंकि 15 प्रो सीरीज में USB 3 का एक फीचर बताया गया है लेकिन 15 और 15 प्लस में ऐसा कोई फीचर बताया नहीं गया है, तो इसलिए दोस्तों आपको ये टाइप सी में USB 2 का सपोर्ट देने को मिलेगा। और हाँ ये टाइप सी के चेंजेस के वजह से दोस्तों आप अपने फोन से चाहोगे तो एयरपोर्ट को भी चार्ज कर पाओगे। और इसके साथ साथ दोस्तों एप्पल ने अपना वायर्ड ईयरफोन भी लॉन्च किया है जो कि टाइप सी के साथ रहेगा। अगर आपको याद होगा जो एयरटैग लॉन्च हुआ था जिससे बड़े आसान से दोस्तों आप कोई भी चीज को आराम से ढूंढ पाते थे, ये फीचर आपको अभी अपने आईफोन में देखने को मिलेगा। तो मानो अगर आपका दोस्त अपना लोकेशन शेयर कर रहा है तो दोस्तों इसी फीचर को यूज करके आप डायरेक्टली उनके पास पहुंच सकते हो। गूगल मैप के जैसे आप उसके आसपास नहीं भटकोगे, आप डायरेक्टली उसके पास पहुंच जाओगे। ये फीचर काफी बढ़िया है और ये फीचर आपको आईफोन 15 के सारे फोन्स में देखने को मिलेगा। और लास्ट ईयर की जैसा जो प्लस एडिशन है दोस्तों इस पे आपको डिस्प्ले साइज बड़ा देने को मिलेगा और बैटरी लाइफ बड़ी देने को मिल जाएगा। तो अगर आपको बड़ी डिस्प्ले और अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो आप यहाँ पे आईफोन 15 प्लस को भी कंसीडर कर सकते हो। और अभी बात कर लेते हैं आईफोन 15 की प्रो सीरीज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो मेन हाईलाइट है कि इस पे आपको इस बार टाइटेनियम की केसिंग देखने को मिलेगा जिसकी बिल्ड काफी बढ़िया है और इसी वजह से दोस्तों आपको चार नए कलर देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रो सीरीज है इसमें आपको 3x की टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलेगा जबकि जो प्रो मैक्स है उसमें आपको 5x की टेलीफोटो सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से जूम करके आप अपने प्रो मैक्स के साथ फोटो खींच पाओगे। और ये दोनों प्रो सीरीज में आपको 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलेगा। और इस बार दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो का भी फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल को यूज करके आपको एक स्पेशल वीडियो का भी फीचर दिया गया है, लेकिन एक फ्यूचर की बात है क्योंकि दोस्तों ये फीचर एक्चुअल में प्रो विजन जो है जो पहले यहां पे एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था उस पे अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन अभी तक वो प्रो विजन लॉन्च नहीं हुआ है। जब वो प्रो विजन लॉन्च होगा उस टाइम में इसका जो फीचर काफी इफेक्टिव रहेगा। और ये प्रो सीरीज में दोस्तों गेमिंग के लिए खास करके आपको बहुत सारे अच्छा अच्छा फीचर्स मिल जाएगा जिस वजह से दोस्तों आप बढ़िया तरीके से गेमिंग इस फोन के साथ कर पाओगे। और इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले
जैसे फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों ये स्मार्टफोन में आपको A16 प्रो बायोनिक चिप देखने को मिलेगा जो कि iOS 17 के साथ वर्क करता है। और इस बार दोस्तों ये प्रो सीरीज में आपको एक एक्शन बटन देखने को मिलेगा, पहले एक स्लाइडर था उसके जगह दोस्तों अभी एक एक्शन बटन आ चुका है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। और ये एक्शन बटन के थ्रू आप सिर्फ साइलेंट नहीं बहुत सारे और दूसरे फीचर के साथ इसको काम में ले सकते हो। जैसे ये एक्शन बटन को आप अपने कैमरा शटर के लिए यूज कर सकते हो या फिर एक एप्लीकेशन के शॉर्टकट के लिए भी इसको यूज कर पाओगे। और दोस्तों यहाँ पे आप चाहोगे तो इसको यूज करके तुरंत रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज कर पाओगे। और नो डाउट दोस्तों फ्यूचर में आपको इसी बटन के थ्रू और भी बहुत सारे फीचर को ऐड किया जा सकता है। और ये iPhone 15 सीरीज की प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों iPhone 15 आपको 80,000 के अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो जाएगा और वैसे iPhone 15 प्लस जो है ये आपको 90,000 रुपीज में देखने को मिलेगा। और सिमिलरली प्रो के बारे में बात करें दोस्तों iPhone 15 प्रो आपको 1,35,000 तक देखने को मिलेगा जबकि iPhone की जो 15 प्रो मैक्स है वो आपको 1,60,000 रुपीज में देने को मिल जाएगा। और स्टोरेज टाइप के हिसाब से दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग है बढ़ती जाएगी। जैसे आपको पता है दोस्तों ये जो iPhone 14 है इस साल शायद आपको 50,000 रुपीज में मिल सकता है, लेकिन हर साल की जैसा दोस्तों हो सकता है कि नेक्स्ट बिग बिलियन डे सेल में या फिर Amazon के ग्रेट इंडियन सेल पे आपको ये iPhone 15 भी 50,000 रुपीज में या फिर 55,000 रुपीज में मिल सकता है जिसपे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस देने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एक साल रुक सकते हो डेफिनेटली ये iPhone 15 बाय करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और डायनेमिक आइलैंड जैसे फीचर देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली चॉइस इज योर्स, अगर आप चाहोगे तो इस साल iPhone 14 को भी बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक साल रुकोगे डेफिनेटली आपको कम प्राइस पॉइंट में एक बढ़िया सा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और जो iPhone 15 को अभी बाय करना चाहते हैं डेफिनेटली बाय कर सकते हो क्योंकि भाई बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आपको ये डिवाइसेस में देखने को मिल जा रहा है। तो ये थे सारे डिटेल्स दोस्तों iPhone 15 सीरीज के बारे में। और जल्दी हम इसके जो एप्पल के वॉच है उसके रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वो बेल आइकन को दबा के रखना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से लाइक करना और अपना थॉट्स आप चाहोगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको और कोई नई ऐसे यूजफुल वीडियो से। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।